हेलो सर। यस प्लीज। नमस्ते नमस्ते, हमें कोड दे दीजिए। कोड आपने देख लिया जी? बैठिए आराम से। थैंक यू सर। तो इस कोड की सहायता से आपको बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय देना है और आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपना नाम, राज्य का नाम और अपना जाति और धर्म शेयर नहीं करना है, ठीक है? आप अपने बारे में कुछ बताइए जिसके आधार पर बोर्ड आपका इंटरव्यू ले सके। सर, मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण की है। इसके बाद स्नातक की परीक्षा मैंने MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से उत्तीर्ण की है। इस स्नातक के साथ साथ मैंने सर NCC सर्टिफिकेट भी किया है। इसके बाद परास्नातक की जो मैंने परीक्षा है वो भी MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने BEd की परीक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से उत्तीर्ण की है। उसके बाद 2005 से लेकर 2008 तक मैंने स्वायत्त पोषित विद्यालय में शिक्षण कार्य किया और 2009 से लेकर वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। पहले सहायक अध्यापक के पद पर था, अब प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। तो अब जब आप प्रधानाध्यापक हो गए हैं तो ये आप हेडमास्टर के लिए तो नहीं अप्लाई किए हैं? जी, मेरा प्रिंसिपल के लिए ही है। प्रिंसिपल के लिए ना? हाँ, तो प्रिंसिपल के कार्य बताइए जरा सा। सर, प्रिंसिपल के मैं जो इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण व्यवस्था को देखना, विद्यालय का नेतृत्व करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों के मध्य और अभिभावक के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था करना, इसके अतिरिक्त जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना, इसके अतिरिक्त जो विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्य दिए जाते हैं उनका निर्वहन करना। बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए, साइकोलॉजी आपने रखा हुआ है तो साइकोलॉजी का कैसे प्रयोग करेंगे शिक्षा की पद्धतियों में और शिक्षा में, ताकि शिक्षा में सुधार किया जा सके? प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, तो मनोविज्ञान के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन शिक्षक किस विषय को, विषय के आधार पर तो शिक्षकों की भर्ती होती है वहाँ पर, लेकिन किस जो बेटर और बेस्ट देने की जो दिया जा सकता है या शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है, बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक किस प्रकार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए हम मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं जिससे अच्छी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके। और प्रधानाचार्य जो प्रधानाचार्य है वो अपने विद्यालय में जितने कार्यरत शिक्षक हैं उनकी भिन्नताओं के आधार पर उन्हें उत्तरदायित्व दे सकते हैं। अच्छा, आपके पास इतनी अच्छी डिग्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, केमिस्ट्री से आपने PG किया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आपके पास जो ऊर्जा, एनर्जी और नॉलेज है इसका और बेटर यूज हो सकता था? जी, हो सकता था। अब चूँकि मुझे लगभग 13 साल से मैं जॉब में हूँ तो उसके साथ साथ तैयारी करना भी थोड़ा कठिन तो होता ही है। अच्छा, नई एजुकेशन पॉलिसी को आप किस रूप में देखते हैं? एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर बनाई गई है, क्योंकि जो इससे पहले पॉलिसी बनी थी वो 1986 में बनी थी, तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर उस पॉलिसी का निर्माण किया गया था। अब उसके बाद बनाई थी उसको 86 वाली जब नीति बनी थी तब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ठीक थे, उस कमीशन का कोई नाम था 86 वाली का? तो कमीशन का, सॉरी, मुझे याद नहीं। पहले जो थी, हाँ, उससे पहले सर 1968 में बनी थी बोर्ड, डॉक्टर कोठारी की कमीशन के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर बनी थी। कोठारी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी? कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने ये कहा था कि बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, इसके अतिरिक्त बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, इसके अतिरिक्त जो रेजिडेंशियल अर्थात जो छात्रावास युक्त विद्यालय बनाए जाएँ, जो पिछड़े और अति पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाएं जिससे उनको शिक्षा प्राप्त हो सकती हो, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 6% जो बजट है हमारा उसका 6% कम से कम शिक्षा पर खर्च किया जाए। लास्ट क्वेश्चन अभी मेरी तरफ से, कोरोना के काल में, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना के इस पीरियड में शिक्षा से एक वर्ग ऐसा था जिसने अपनी शिक्षा को डिजिटल मीडिया का प्रयोग किया और जारी रखा, और एक वर्ग ऐसा रहा जो शिक्षा से वंचित हो गया, उसको जो भी कहा गया और बेसिक इन्फॉर्मेशन आती थी वो भी भूल गया।
अगर मान लीजिए कि इस तरह की दोबारा कोई भविष्य में चुनौती आती है और आप प्राध्यापक हैं, तो उन वंचित बच्चों को जो डिजिटली डिवाइड हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कैसे प्रयास करेंगे? जो कोरोना काल हुआ था तो उसमें भी जिन बच्चों के पास अपने सुविधाएं हैं उन्होंने तो अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं के आधार पर शिक्षा प्राप्त की, परंतु जिन बच्चों के पास व्यक्तिगत सुविधाएं नहीं थीं उनके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त अध्यापकों के मोबाइल में रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करवाए गए, उसके द्वारा मोहल्ला क्लास चलाई गई जिससे उन बच्चों को भी अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, प्लीज़ सर। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के कारण गुणवत्ता आधारित शिक्षा में कमी आ रही है? जॉन ड्यूवी के अनुसार जो शिक्षा में जो व्यवस्था है उसमें शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों के बीच एक अंत्यक्रिया होती है। तो जितनी अंत्यक्रिया प्रबल होगी उतना ही शिक्षा की गुणवत्ता प्रबल होगी। इस जब ऑनलाइन शिक्षा में, हालांकि हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से, इसे कोई नकार नहीं सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता खराब हुई है, परंतु ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक और छात्र के बीच जो अंत्यक्रिया वास्तविक रूप से होनी चाहिए थी वो उतनी अंत्यक्रिया प्रबल नहीं हो पाती है ऑनलाइन प्रोसेस में। बाकी शिक्षा की गुणवत्ता को तो हम ये नहीं कह सकते कि खराब हुई है नकार। भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है साक्षर भारत अभियान, यह क्या है? साक्षर भारत अभियान की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसमें जहाँ पर मतलब हमारे बेसिक स्कूलों के हिसाब से तो जहाँ पर 7 संख्या 100 से अधिक थी वहाँ पर उन पर ज़्यादा वो दिया फोकस किया गया, पर साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत जो अधिक से अधिक साक्षर हमारा जो अधिक से अधिक नामांकन करके प्रत्येक बच्चे को साक्षर बनाने का उद्देश्य लक्ष्य रखा गया था। थोड़ा फैक्चुअल अपने को करेक्ट कर लीजिएगा कि साक्षर भारत अभियान 2009 में शुरू हुआ था या कब शुरू हुआ था, थोड़ा यहाँ पर। सॉरी सर, मैं इसको कन्फ्यूजन में आ गया हूँ थोड़ा सा, मैं देख लूँगा इसको। साक्षर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्षर भारत का तो उद्देश्य ये है कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। और इसमें प्राथमिकता किसे दी गई है? प्राथमिक वर्ग? प्राथमिकता इसमें जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको दी। शिक्षा की बात नहीं, हम वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग में तो इसमें जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। क्या इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षा में जो लिंगी अंतराल है उसको दूर करने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी? जी सर, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भी विशेष वो दिया गया है, बालिका शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। अच्छा, भारत सरकार का एक अभियान है माध्यमिक शिक्षा मिशन, यह अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है जो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका अधिक से अधिक नामांकन किया जाए और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, संघ सूची या समवर्ती या राज्य किस में? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। कब रखा गया? ये 1976 में रखा गया है। पहले ये राज्य सूची में आता था, 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा ये समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। क्या आपको लगता नहीं कि अलग अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड हैं उनके पाठ्यक्रम अलग अलग है, जिसके कारण जो होता है समाज में एक असमानता भी उत्पन्न हो रही है? यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम कुछ और है, CBSE का कुछ और, पंजाब शिक्षा बोर्ड का कुछ और, तो क्या आप यह कहना चाहेंगे कि इस पाठ्यक्रमों को यूनिफॉर्म बना दिया जाए? हाँ, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम यूनिफॉर्म होगा तो कोई बच्चा किसी बोर्ड से पढ़े या पाठ्यक्रम समान होगा तो उसका शिक्षा का स्तर समान होगा। उससे ये नहीं रहेगा कि ये बच्चा कम उसका पढ़ा हुआ है या दूसरे बोर्ड का पढ़ा हुआ है, पाठ्यक्रम समान होने पर जो बच्चे को एक समान शिक्षा प्राप्त होगी प्रत्येक बच्चे को। लास्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था से हटकर हम पूछ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में आपको क्या परिवर्तन दिखाई पड़ा है? उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखाई दिए हैं वो मुख्यतः कानून व्यवस्था में तो दिखाई दे रहे हैं। कानून व्यवस्था और खराब हो गई है? नहीं, कानून व्यवस्था सुधर ही रही है पहले से, और शिक्षा व्यवस्था भी सुधरी है पहले से तो। अच्छा, शिक्षा में क्या सुधार देखते हैं, कुछ पॉइंट वाइज बताइए। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में जो नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत पहले मिशन प्रेरणा अभियान चला था,
इसके बाद अब निपुण वर्तमान में निपुण भारत अभियान चल रहा है, जिससे कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए जो भारत सरकार का ने लक्ष्य रखा है 2025-26-27 तक का, परंतु जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने उस लक्ष्य को एक साल पहले प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2025-26 तक कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए जो पढ़ समझ के साथ भाषा को पढ़ना और अंकगणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लक्ष्य रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टीचिंग एक हॉबी भी है और राइटिंग भी, हिंदी राइटिंग, पोएम राइटिंग करते हैं आप। सपोज करें आपके क्लास में कोई एक मेंटली रिटायर्ड, मान के चलें आप मेरे शिक्षक हैं और मैं मंदबुद्धि का छात्र हूँ, अमूनन ये देखा गया है कि बच्चों को सभी पढ़ाते हैं, एक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आप उस छात्र के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे और कितने पेशेंस के साथ करेंगे ताकि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो? उस बच्चे के साथ हम इस तरह का व्यवहार करेंगे कि उसको ये एहसास नहीं हो कि मैं एक दिव्यांग बच्चा हूँ। उसको हम अन्य बच्चों की तरह उसके साथ व्यवहार करेंगे और एक समावेशी कक्षा का निर्माण करेंगे। इससे उस बच्चे के अंदर हीन भावना नहीं आएगी और वो जब उसको ये नहीं लगेगा कि मैं इन सब बच्चों से अलग हूँ, तो वो अपने आप ही स्वतः सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। कोई उदाहरण देके? हमें भेदभाव नहीं करना है बच्चे के प्रति कोई भी, हमें उसको उन्हीं बच्चों के साथ समावेशी कक्षा के रूप में शिक्षा व्यवस्था प्रदान करनी है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो शुरू में मेंटली रिटायर्ड थे और बाद में बहुत अच्छा काम किए पूरी मानव जाति में? दिव्या, पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझको, वो उनके पैर एक्सीडेंट हो गया था तो वो दिव्यांग हो गई, उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई की और रिसर्च की, पीएचडी की। तो ये जरूरी नहीं है, कोई भी दिव्यांगता बाधक नहीं हो सकती है हमारे जीवन में। स्कूल्स में दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है? दिव्यांगजनों के लिए स्कूल में रैंप की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि उनको, जो फिजिकली दिव्यांग बच्चे हैं उनको आने जाने में समतल धरातल होना चाहिए और जो कम रूम हैं उन तक पहुंचने के लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप के पर हैंड रोल लगा होना चाहिए जिससे पकड़कर आराम से पहुँच सकें। इसके अलावा दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनको कोई भी परेशानी ना हो। भारत में कुल आबादी के कितने परसेंट दिव्यांगजन हैं? सॉरी सर, इसका मुझे कंफर्म याद नहीं है। अच्छा, जो दिव्यांगों के लिए आपने इतनी व्यवस्थाएं बताई, ये वास्तव में स्कूलों में हैं? जी यस सर। अब तो जो अभी सर ने भी पूछा था पहला प्रश्न, उसके जोड़ देता हूँ। जो स्कूलों में मिशन कायाकल्प अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत 19 पैरामीटर बनाए गए हैं, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए भी सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मानक रखा गया है। मानक तो रखा गया है, लेकिन वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं नहीं रखता। अधिकांश लगभग 70-80% स्कूलों में हो गया है। ठीक है, प्लीज सर। ओके, ये बताइए कि फीमेल एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है सभी राज्यों की, उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी समस्या है, आप फीमेल एजुकेशन को कैसे प्रमोट करेंगे अपने जहाँ भी रहेंगे? फीमेल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एक तो विद्यालयों में माता शिक्षक संघ बनाए गए हैं, जो मतलब मदर टीचर एसोसिएशन बनाए गए हैं। जब घर की महिला पढ़ी होगी या घर की महिला से हम सीधा संपर्क करेंगे तो अन्य बच्चों को प्रेरित करेगी पढ़ने की, अपने जो फीमेल चाइल्ड हैं उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उसको हम मीटिंग में बुलाएंगे, उसको समझाएंगे कि भाई पढ़ाई से जो महिला शिक्षा है उससे अपने घर का प्लस जहाँ उसकी शादी होती है उस घर का, उस जो स्त्री सुधरती है, तो अगर वो शिक्षित हो जाएगी उसको हम इस तरह कन्वे करेंगे कि महिला शिक्षा के पुरुष शिक्षा के अपेक्षा अधिक लाभ मिलते हैं। इसके अलावा सरकारी जो नीतियां हैं उनमें भी महिला शिक्षा को प्रेरित किया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए हैं 6-8 तक की बालिकाओं के लिए, कक्षा 8 तक के जो निःशुल्क आवासीय विद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए भी प्रेरित करेंगे उनको कि ये केवल बालिकाओं के विद्यालय हैं, क्योंकि समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली होती हैं, बच्चों महिला मतलब भेदभाव है समाज के अंदर, बालिका के और बालक के प्रति जो समाज माता पिता हैं वही भेदभाव करते हैं। जब तक उनके मानसिक स्थिति माता पिता की बदल जाएगी, बच्चों के प्रति भेदभाव करना बंद कर देंगे तो वो महिला शिक्षा को अपने आप ही स्वतः सुधर जाएगी। और इसके साथ साथ सरकारी नीतियाँ भी हैं और हम भी प्रयास करेंगे साथ साथ। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा, रिपोर्ट आ रही है कि केरल जैसे शिक्षित राज्य में
बहुत ही लिटरेट स्टेट है, लिटरेसी रेट बहुत ही हाई है वहाँ पे। वहाँ पे अंडर एज गर्ल्स में एबॉर्शन के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप एक कोएड स्कूल के एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं, वहाँ पे अगर ऐसे केसेस आएंगे तो आप किस तरीके से उसका हैंडल करेंगे? इस तरह के केसेस आते हैं तो उनमें एक तो हमारे देश में जो सेक्सुअल एजुकेशन है उस वो कंपलसरी भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे समाज की इस तरह की धारणाएं हैं कि हम सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बताते हुए या उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हुए थोड़ा हिचकिचाते भी हैं। तो हमें ये कोशिश करनी जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसके बारे में अधिक से अधिक उनको बताया जाए, उसके लाभ और हानि दोनों बताए जाएँ कि भाई इससे ये लाभ होंगे ये हानि होंगी। जब उसकी हानियों के बारे में उनको पता होगा कि इस जो जो मतलब प्री मैच्योर जो एबॉर्शन हो रहे हैं जो, तो जब उनको इसकी हानियां पता होंगी, बच्चे को अपने नुकसान के बारे में पता होगा, तो उस पर कदम कम उठाएगा। किन किन पैरामीटर्स को आप ऊपर रखेंगे इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए? सॉरी सर, मैं एकदम टू द पॉइंट नहीं पहुँच पा रहा हूँ इस पॉइंट पर। आपने सारी बातें बताई शिक्षा को लेकर कि क्या सुधार हो सकते हैं, क्या सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन बच्चे स्कूल में हैं और मास्टर साहब गायब हैं। कभी वो जनगणना कर रहे हैं, कभी पशुगणना कर रहे हैं, कभी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरे, क्या आपका मानना है? जो सरकारी दायित्व हैं वो अब विद्यालय समय के बाद भी कुछ करे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दायित्व ऐसे हैं जो शिक्षकों से ना भी कराए जाएँ, जैसे कि अब जनगणना का कार्य है वो तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वो तो शिक्षकों के बिना नहीं पूरा हो सकता। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जनगणना, प्राकृतिक आपदा, इन्हीं में शिक्षकों को लगाया जाए। इसके अलावा जो बीएलओ ड्यूटी है या और अतिरिक्त कार्य हैं वो शिक्षकों से ना लिए जाएँ, तो सरकार भी एक सरकार और ये कदम उठाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो शायद सुधार और अच्छा हो जाएगा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है सर। 10 जनवरी को पक्का? जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। आप मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल हैं और आपके स्कूल और आपके आसपास के जो गांव में माहौल है वो बड़ा जातिवादी है, ठीक है, और आपके यहाँ जो खाना बनाने वाले रसोइया हैं वो एक जाति विशेष से आते हैं, इसकी वजह से बच्चों को भड़काया गया या बच्चों को उकसाया गया और उन बच्चों ने कह दिया कि नहीं, वो जो रसोइया किसी जाति विशेष से आते हैं उनके हाथ का बना हुआ हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर रसोइये को हटाते हैं तो आर्टिकल 17 का वायलेशन होगा जो उसको सुरक्षा देता है, और बच्चों को स्कूल से निकालें तो उनका जो फंडामेंटल राइट्स है 21A उसका वायलेशन होता है। आप प्रिंसिपल हैं, कैसे इस घटना को टेकल करेंगे? इसमें ना तो रसोईया को हटाया जाएगा ना बच्चों को निकाला जाएगा। समस्या का समाधान कैसे? बच्चे खाने को तैयार नहीं है, मिड डे मील खाने को तैयार नहीं। इसमें जो है जो शिक्षक होता है वो बच्चों का आदर्श होता है, और शिक्षक के लिए तो वैसे भी चखने का तो रोज है ही, राइट, जो चखने का तो रोज शिक्षक के लिए होता ही है। तो हम उनके गार्जियंस को बुलाएंगे, उसके बाद हम स्वयं सब उन रसोइये के हाथ का खाना बना हुआ उन बच्चों के साथ बैठकर खाएंगे। तो हम एक अपना प्रिंसिपल के तौर पर अब आदर्श प्रस्तुत करेंगे जिससे गार्जियंस की समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति गार्जियंस भी और बच्चे भी एक शिक्षक को आदर्श की तरह देखते हैं। इसके सबसे अच्छा जो तरीका वो यही है कि हम स्वयं उस कार्य को करके दिखाएंगे जो उनको करने से बच रहे हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।